मैं पल्लवी। मैं आज आप लोगों को वर्ग एल के जी ए में विषय हिंदी में स्वर पढ़ा रही हूँ। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी अ से लेकर के री तक। आज के क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ ए से लेकर के अह तक। ए से लेकर के अह तक। ए से क्या होता है बच्चों? ए से एरी। ए से क्या होता है? एरी, पैर का एरी। ए से एरी। आई, आई से क्या होता है? ऐनक। आई से ऐनक यानी कि चश्मा। ये चश्मा है ना, आई से ऐनक। जब ऐनक तो कब हम यूज करते हैं? जब जैसे कि धूप हुआ तो धूप में लगाने में यूज करते हैं, या फिर किसी किसी के आईस में प्रॉब्लम होता है तब यूज करते हैं। तो ऐसे ऐनक। ओ से क्या होता है? ओ से ओखली। ओ से क्या होता है बच्चों? ओखली। ओखली का कब हम यूज करते हैं? धान गेहूं ये सब को कूटने में, यानी कि उसको कूटने में यूज करते हैं, यानी ओ से ओखली। ओ से क्या होता है? औजार। ओ से क्या होता है बच्चों? औजार यानी कि आरी। इसको आरी भी बोल सकते हैं और औजार भी बोल सकते हैं। आरी, आरी का कब हम यूज करते हैं? लकड़ी काटने में, छोटा छोटा लकड़ी काटने में। और से औजार। अंग, अंग से क्या होता है बच्चों? अंगूर। अंग से क्या होता है? अंगूर। अंगूर क्या है? अंगूर क्या है? अंगूर तो आप लोगों को पता होगा क्या है। अंगूर एक फ्रूट से यानी कि फल है। अंगूर को हम मार्केट से खरीद के लाते हैं, घर में खाते हैं। अंग से अंगूर। आह, फिर से हम आपको एक बार और बता देते हैं। ए से एरी, आई से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औजार, अंग से अंगूर। आज तक मैं आप लोगों को इतना ही बता रही हूँ। अगले वीडियो में आप लोगों को इससे आगे बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए।